चैनल को ग्रो करने के लिए भाई आप सब कुछ किए होंगे, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग, जो SEO, इसका सब चीज़ आपको बताया होगा, मतलब कई सारी यूट्यूबर आपको बताए होंगे भाई ये टाइटल डालिए, ए डिस्क्रिप्शन लिखिए, ए टैग डालिए, आपको सब कुछ यूट्यूबर मतलब सभी यूट्यूबर ने सिखाए होंगे, लेकिन तब भी आपका जो वीडियो वायरल नहीं होगा, मतलब कई मतलब सब कुछ आप करके देख चुकेंगे, मतलब सब कुछ जो यूट्यूबर बताए हैं आप वो भी करके देख चुके होंगे, लेकिन तब भी वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत करते भाई, टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग सब कुछ आप SEO वाला ही करते हैं, मतलब सब कुछ आप करके देख चुके होंगे, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो में ये ऐसे कुछ तरीके बताने रहा हूँ, अगर वो तरीका आप जान जाओगे भाई तो आपके चैनल जो है ग्रो करने लगेंगे। देखिए भाई, आप YouTube पर काफ़ी सीरियसनेस से काम करते हो, तब YouTube पर चार छः घंटे से ज़्यादा काम करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब चैनल ग्रो नहीं होता तो काफ़ी उदासपन आता है, क्योंकि जो बंदा काफ़ी मेहनत करता है, कम से कम 2-3 घंटा वीडियो देखता है, इसके बाद वीडियोज़ देख करके वीडियोज़ बनाता है, अपलोड करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता भाई यूट्यूबर उदास हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीका आप यूज करोगे, मतलब तरीका आप भी अपनाओगे, तो आपका चैनल ग्रो हो जाए, क्योंकि कई सारे बंदे ये चीज़ यूज करके देखे हैं और उनका चैनल अच्छा खासा रिस्पांस मिल चुका है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप YouTube पर 6-7 महीना या 8 महीना या साल भर काम कर चुके हैं तो ये तरीका आपको ज़रूर यूज करना चाहिए, क्योंकि कई सारे बंदे ये चीज़ करके देख चुके हैं। मान लीजिए आप इस पर काम करिए, जो आप ईटेक का चैनल है उस पर आप काम करिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए आप इसके पहले कई चैनल छोड़ चुके होंगे, मतलब इसके पहले कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि 2-3 चैनल इसके पहले बना के छोड़ चुके होंगे, उससे सीखे होंगे, जो चैनल बनाए हैं उस पर सीरियसली काम कर रहे हैं, तो भाई इस पर इसके बावजूद भी चैनल पर कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि मतलब जो है ये चैनल जो है बूस्ट कर जाए, क्योंकि भाई देखिए आप इतने दिन से इतना साल से आप YouTube पर जो है ध्यान दे रहे हो, इस सोचते हो कि इससे अच्छा हम पढ़ाई कर लें तो आप अब तक कहाँ पहुँच गए होंगे, पहुँच जाते, तो ये सब आपके मन में ख्याल आता होगा भाई, हर भाई यूट्यूबर के मन में ख्याल आता है, जब कोई जैसे सक्सेस नहीं मिल पाती है तो सोचते हैं वही काम अच्छा है, उसमें अब तक हम कहाँ पर पहुँच गए होते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप उदास, पहली बात आपको पेशेंस रखना है, जब पेशेंस रखोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि पेशेंस के बिना कुछ हो नहीं पाता है, हर कोई जो पेशेंस रखता है यूट्यूब पर जो आता है पेशेंस रखता है, तब जाके वो जो आगे बढ़ पाता है। अब बात करते हैं कि भाई वो तरीका क्या है कि जो हम वो तरीका यूज करके जो अपने चैनल को बूस्ट कर जाएँ, मतलब अपने चैनल को ग्रो कर जाएँ, अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, तो आप जो है कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कैटेगरी है उस हिसाब से ही काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप टेक का चैनल है, जैसे टेक का चैनल है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे आप टेक का वीडियोस बनाते हैं तो उसमें कोई वीडियो मतलब व्यूज नहीं आते होंगे, ना तो कोई सब्सक्राइबर आ रहे होंगे, आप मतलब 6-7 महीने 8 महीने वीडियोज अपलोड कर चुके होंगे लेकिन उस पर कोई व्यूज सब्सक्राइबर नहीं आ रहे होंगे, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे में भाई देखिए, एक चीज़ हमको करना चाहिए कि हमको जो है अपने चैनल का जो कैटेगरी चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई क्या होता है कि जब सोचते हो, देखिए भाई उसमें हो सकता है आपके पास उतना टैलेंट ना हो उसमें, इसलिए आप 100% उसमें नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है आप दूसरे काम के लिए ही बने हों। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, अगर भाई आप कैटेगरी चूज कर लेते हो और उस पर काम करते हो, सकता है वो वीडियोज आपका वायरल हो जाए, कैटेगरी चेंज करके देख लीजिए ना, इसमें क्या जाता है, आप टेक का वीडियोज बनाइए लेकिन उसके अलावा आपको जो है कैटेगरी चेंज कर लेना चाहिए, जब कैटेगरी चेंज करोगे हो सकता है आप उस पर वीडियो डालें और हो सकता है वो वीडियोस आपका वायरल हो जाए। तो दोस्तों ये तरीका आपको यूज करना चाहिए, अगर आप तरीका यूज करोगे भाई आपका चैनल जरूर बूस्ट करेगा। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब यही था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी कमेंट सुझाव देना है कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा।